हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिट केमिस्ट्री क्लासेस। टुडे वी स्टार्ट एग्रीकल्चर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज मृदा विज्ञान। क्या है? मृदा विज्ञान चैप्टर नंबर फर्स्ट है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में। अपने मृदा विज्ञान सोयल, सोयल साइंस है, सोयल साइंस। देखिए इसमें एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के अंदर जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो अपने पास में मृदा। मृदा को समझना बहुत जरूरी है। मृदा ही सभी गुणों को डिसाइड करेगी कि अपन फसल है वो कैसे उगाएंगे, फसलों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किस प्रवृत्ति का होगा, मृदा किस प्रकार की है, अम्लीय है या क्षारीय है, किस प्रवृत्ति की होती है, मृदा की संरचना कैसी होती है, उसका वितरण कैसे होता है, मृदा जो होती है वो अलग अलग टाइप से पाई जाती है, मृदा के जो प्रकार हैं वो क्या होती हैं, मृदा में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, उनके बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। मृदा का जो संरचना है उसका लेवल क्या है, मृदा के अंदर कितने लेवल्स पाए जाते हैं, कितने स्तर होते हैं, उन स्तरों के बारे में अपन बात करने वाले हैं मृदा विज्ञान के अंदर। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए मृदा विज्ञान में मृदा क्या है। दैट मीन्स मृदा विज्ञान में जो मृदा है वो क्या है, किसको बताती है, वो अपने में आपको देखना है। देखिए मृदा जो होती है यह है, क्या माना गया है मृदा को, मृदा जो होता है इसका अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है मृदा का, उसको क्या बोलते हैं, मृदा विज्ञान बोलते हैं, सोयल साइंस बोला जाता है। मृदा जो होता है ये एक प्राकृतिक पिंड होता है। क्या होता है ये? एक प्राकृतिक पिंड होता है। अब मृदा जो प्राकृतिक पिंड है इसका निर्माण किससे होता है? मृदा का निर्माण होता है मोस्टली जो चट्टाने होती हैं उन चट्टानों के बार बार अपक्षरण होने के कारण मृदा का निर्माण होता है। अब चट्टाने जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, इनके अपन इसमें अंदर बातें करेंगे। दैट मीन्स पहला जो अपने पास में पॉइंट इसके अंदर आया है कि मृदा जो होती है इसका जो निर्माण होता है किससे होता है, चट्टानों से। किससे होता है? चट्टानों के अपक्षय से होता है। चट्टानों के अपक्षय से इनका निर्माण होता है। ये है से इनका निर्माण होता है। दूसरा जो पॉइंट आता है कि जो मृदा होती है इस मृदा में, इस मृदा शब्द का अर्थ क्या होता है। मृदा का जो शब्द का अर्थ है वो लैटिन भाषा से लिया गया। किससे लिया गया? लैटिन भाषा का एक शब्द है, भाषा का शब्द जिसका नाम है सोलन। क्या नाम है उसका? सोलन। सोलन जो है इससे मृदा शब्द को लिया गया है। और ये जो सोलन शब्द होता है इस सोलन शब्द का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या है? सोलन शब्द का अर्थ होता है फर्श। फर्श का मतलब आप जानते हैं फ्लोर। फ्लोर मतलब तो फ्लोर जो होता है जिस टाइप से फ्लोर ऊपरी सतह जो होती है। फर्श का मतलब हो गया ऊपरी सतह। इसका मतलब है लैटिन भाषा का जो शब्द था सोलन उसी से मिलकर के बना हुआ है कि मृदा सोयल। क्या कहलाती है? सोलन से क्या बना है? सोयल बना है। सोयल का मतलब होती है मृदा। इसका मतलब है इसका शाब्दिक अर्थ अपन निकाले तो इसका मतलब फर्श। जैसे अपन अपना जो कमरा है उसके ऊपर फर्श डालते हैं वैसे अपन बाहर के वातावरण अपन देखते हैं तो जो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है यह सतह है इसको अपन क्या बोलेंगे? फर्श बोलेंगे। तो मृदा का जो अर्थ निकला वो क्या है? मृदा शब्द से मिला है। अब बात करते हैं कि मृदा होती है, इस मृदा का विज्ञान का सर्वप्रथम किसने इसके बारे में बताया था? सबसे पहले इसके बारे में जो बताने वाला था वो एक साइंटिस्ट था। उस साइंटिस्ट का नाम था वी 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 कुचुडेव था। और वी कुचुडेव के द्वारा इसके बारे में मृदा साइंस के बारे में बताया गया था। और मृदा साइंस के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे इन्हें सोशल यानी सोयल साइंस का फादर भी कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसने सबसे पहले मृदा के बारे में स्टडी किया था। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अगर नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो मृदा जो होती है इसका अध्ययन कैसे करता है। मृदा का जो अध्ययन होता है ये दो शाखाओं में किया जाता है। मृदा का अध्ययन है उसकी दो शाखाएं हैं। फर्स्ट जो अपने पास में है उसको बोलते हैं पेडोलॉजी। क्या कहते हैं उसको? पेडोलॉजी कहा जाता है।
दूसरे जो अपने पास में है उसे बोलते हैं इफेड्रोलॉजी, इफेड्रोलॉजी या मृदा शास्त्र। क्या कहते हैं उसको? मृदा शास्त्र के नाम से जाना जाता है, इफेड्रोलॉजी या मृदा शास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो अपन बात करते हैं कि पेडोलॉजी होती क्या है, पेडोलॉजी के अंदर क्या होता है। पेडोलॉजी के हिसाब से अगर बात करें तो मृदा है वो क्या होता है। पेडोलॉजी में जो है मृदा का कैसा गुण है, उसकी संरचना कैसी है, मृदा की संरचना, साथ में उसकी उत्पत्ति तथा उसका जो वितरण होता है, मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसका अध्ययन जो अपन करते हैं इसमें आप पेडोलॉजी के अंदर आते हैं। और इफेडोलॉजी जो होती है इसमें अपन मृदा के गुणों का अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन करते हैं मृदा के गुणों का अध्ययन किया जाता है। मृदा के गुणों का अध्ययन का मतलब हो गया कि मृदा जो होती है किस प्रकार से इससे मिलकर के बनी हुई है, इसमें कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थों के अपचय से किस निर्माण होता है, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, कैसी प्रवृत्ति की है, ये कहलाता है कि मृदा शास्त्र, मृदा शास्त्र या इफेडोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी में सिर्फ संरचना है, उत्पत्ति है, वितरण वगैरह है, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, कौन से प्रकार के चट्टानों से हुई है, ये इसलिए अपन बात करते हैं पेडोलॉजी के अंदर बात करते हैं। ठीक है, ये तो है मृदा के अध्ययन संबंधी पुण्य फैक्टर की बात की है। अब बात करते जो मृदा आती है उस मृदा के अंदर इसकी अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है और ये परिभाषाएं आपके पास में ही है। कौन कौन सी परिभाषाएं हैं मृदा की वो दी गई हैं। सबसे पहले इसके बारे में जो आपको बताया है दो साइंटिस्ट हैं। फर्स्ट अपने पास में है एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ब्रेडी। ब्रेडी नाम के साइंटिस्ट ने, ब्रेडी और इसके साथी ने इसके बारे में बताया था। और ये जो है ये बताते हैं कि मृदा जो होती है वो एक प्राकृतिक पिंड होता है। क्या होता है ये? एक प्राकृतिक पिंड होता है मृदा। और ये प्राकृतिक पिंड होने का मतलब है ब्रेडी ने क्या बताया, ये क्या होता है प्राकृतिक पिंड, क्या होता है ये प्राकृतिक पिंड होता है। इसका मतलब है मृदा एक प्राकृतिक पिंड होता है तथा इसका जो निर्माण होता है वह सामान्यतया कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनके अपचय होने से, कार्बनिक पदार्थों के हो रहे हैं अपचय हो रहे हैं और अपचय होने के बाद भी उनके टूटने से, गलने से, सड़ने से एक आवरण बन जाता है। इसको अपन मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। मृदा परिच्छेदिका जो होती है ये मृदा परिच्छेदिका क्या होती है, मिट्टी या मृदा कहलाती है। किसके अनुसार से? ब्रेंडी के अनुसार से। इसके लिए दूसरी परिभाषा अपने पास में है जो जोफ्रे नाम का साइंटिस्ट था उसके द्वारा दी गई। जोफ्रे नाम के जो साइंटिस्ट हैं और इसके साथ वाला था एक जोफ्रे के द्वारा, इन्होंने बताया कि जो मृदा होता है वो कैसा होता है, प्राकृतिक पिंड। कैसा होता है? प्राकृतिक पिंड होता है। इसका मतलब है इसमें जो विशिष्ट प्रवृत्ति जो पाई जाती है उसने क्या बताया, मृदा का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, पेड़ पौधों के द्वारा जो होता है, प्लांट्स जो होते हैं उन्हीं के थ्रू इसका निर्माण होता है, प्लांट्स के थ्रू होता है। यानी पेड़ पौधों पर जो डिपेंडेंट थी जो परिभाषा थी वो किसने दी, जोफ्रे और उसके साथी के द्वारा दी गई। और एक ब्रेडी की, ब्रेडी के द्वारा और इसके साथी का दूसरा उसके द्वारा ये परिभाषा दी गई। प्राकृतिक पिंड दोनों में समानता को शो कर रहा है, दर्शाता है। तो मुख्य रूप से अगर बात करें अपन यहाँ पर तो मृदा के अंदर क्या है, मृदा जो होती है वह क्या है, मृदा विज्ञान क्या होता है जिसमें मृदा का अध्ययन किया जाए। सार में अपन कहें सूत्र में बोले मृदा का अध्ययन किया जाता है तो मृदा विज्ञान कहलाता है। दूसरा मृदा की उत्पत्ति होती कैसे है, मृदा जो होती है चट्टानों के अपचय से इसका निर्माण होता है। तीसरी बात मृदा का अर्थ क्या होता है, मृदा का मतलब सोयल और सोयल जो है लैटिन का शब्द है सोलम से, सोलम का मतलब हो गया फर्श, ऊपरी सतह जो होती है क्या बोलते हैं, फर्श बोलते हैं। वे भी कुछ देर या जो साइंटिस्ट हैं अलग अलग इसका है, कहीं कहीं कुछ नाम दे रखा है, कहीं कुछ नाम दे रखा है इसका, कुछ देव है कुछ देव, उसके द्वारा इसका अध्ययन किया गया। इसे इसका पिता में भी कहा जाता है। मृदा का जो अध्ययन किया जाता है उसके दो अपने पास में शाखाएं हैं, एक पेडोलॉजी होती है और दूसरी कौन सी, इफेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंदर क्या होती है, मिट्टी की संरचना, उत्पत्ति और वितरण का अध्ययन किया जाता है। और इफेडोलॉजी के अंदर मृदा शास्त्र जिसे कहते हैं, मृदा के गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। और परिभाषा में अगर बात करें तो
क्राइटेरिया के अनुसार है। सबसे पहले ऊपर का एक शक्ति है, उसके द्वारा वह एक प्राकृतिक पिंड होती है। दूसरा कि ये पेड़ पौधों के द्वारा इसको उत्पत्ति होती है। ये तो किसने बताया? ब्रैंडे के द्वारा, जो फ्रेस के नाम का एक साइंटिस्ट था दूसरा, उन दोनों ने मिलकर बताया कि यह एक प्राकृतिक पिंड जरूर है, परंतु इसका निर्माण जो होता है वो किससे होता है? कार्बनिक पदार्थों के अपक्षरण से होता है, जिससे मृदा परिच्छेदिका बन जाती। यही मृदा परिच्छेदिका जो होती है ये मिट्टी कहलाती है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने जो अध्ययन किया है वो मृदा का एक सामान्य परिचय था। अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट को आज स्टार्ट कर दिया है। इसका फर्स्ट अपन ने आज इंट्रोडक्शन पढ़ा है। नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन इसके बारे में और बातें करेंगे। थैंक यू सो मच।